हम शुद्ध उच्चारण करें। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्ते पाद पीठ इस्तोत्युन समुद्यति मते विगत तपोहम बालं विहाय जल संस्थिति मेन्दु बिंब मन्या क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विना बुद्धि के बिना, अपि भी विबुध देवों के द्वारा अर्चित पूजित है पाद पीठ पैरों के रखने की चौकी। स्तोत्युं समुद्यत मतिर विगत तपोहम। स्तोत्युं स्तुति करने के लिए, समुद्यत मति तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, विगत तप लज्जा रहित अहम मैं। बालम विहाय जल संस्थिति मिंदु बिंबा। बालम बालक को विहाय छोड़कर जल संस्थित जल में प्रतिबिंबित इंदु बिंबम चंद्रमंडल को मन्या के इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। अन्य दूसरा के कौन इच्छति इच्छा करता है जने मनुष्य सहसा बिना विचारे ग्रहीतुम पकड़ने को। अब चलते हैं अर्थ एवं भावार्थ की ओर। हे देवों के द्वारा पूजित चिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी नासमझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या यह मेरी दृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति करने के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक प्रवृत्ति की तरह ही है, अर्थात मात्र बाल चेष्टा है। अपितु जल में प्रतिबिंबित चंद्रमंडल को बिना विचारे पकड़ने को बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य इच्छा कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं।